फैजाबाद में चाइना से लौटे एक युवक को कोरोना वायरस एक्सपेक्टेड संदिग्ध होने पर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जांच के बाद युवक को दिल्ली रेफर कर दिया गया। युवक इमरान चाइना में कांच का कारोबार करता है। 3 दिन पूर्व ही चाइना से लौटने पर उसे बुखार की शिकायत मिली, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में चेकअप के लिए भर्ती कराया गया और जांच के बाद उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में परीक्षण के लिए रेफर कर दिया गया है। एक इमरान नाम के मरीज हमारे यहाँ आए हुए हैं, 36 साल के हैं ये, और इन्होंने अभी पिछले दिनों चाइना की यात्रा की थी जनवरी माह में। तो वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने अभी बताया कि इनको 2-4 दिन से खांसी और बुखार आ रहा है, बाकी इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की खांसी बता रहे हैं और हल्का ही बुखार बताया है इन्होंने, जो कि बुखार भी इनका बुखार की दवाई लेने से ठीक हुआ। तो इन्होंने आए हैं तो हमने इनको आज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया, हमारे फिजिशियन इनकी सारी जाँच वगैरह कर रहे हैं। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ शुभम दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि युवक में वायरस के लक्षण पाए गए हैं कोरोना वायरस के, अभी क्या कुछ अपडेट है, कैसा है युवक, क्या हालात बताई जा रही है उसकी, और हॉस्पिटल में भी रेफर कर दिया गया है, कैसी स्थिति बताई जा रही है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, ये 32 वर्षीय युवक इमरान है जो चाइना से अभी 3 दिन पूर्व ही लौट कर आया है। इनका कांच का उद्योग का काम है चाइना से, और वहां से लौटने के बाद इन्हें खांसी बलगम और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद परिजनों ने कल इन्हें जिला अस्पताल के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर एडमिट करवाया था। तो इनकी जांच वगैरह की गई, लेकिन यहां पर जिलों में इतनी जो अपडेट वर्जन है चेकअप्स के वो नहीं है, तो इन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। फिलहाल इनका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में उपचार चल रहा है और इनकी तबीयत ठीक है, खतरे से बाहर है। अभी शिकायत थी उसी आधार पर उन्हें कल आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया था, उसके बाद इन्हें रेफर कर दिया गया था। जी, तो इनको रेफर कब किया गया दिल्ली? जी मैं बता दूं, इनको देर रात रेफर कर दिया गया था दिल्ली, और अभी ये दिल्ली में एडमिट हो चुके हैं और इनका उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।